लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। इस चैनल पे रोजाना चार वीडियो देखने को मिलेंगे। सबसे पहला वीडियो सुबह 9 बजे, दूसरा वीडियो दोपहर 2 बजे, तीसरा वीडियो शाम को 6 बजे और चौथा वीडियो रात को 9 बजे। तो ये हमारा टाइम फिक्स है, इसी पे मिलेगा। इससे पहले और बाद में आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे वीडियो आप अपनी फैमिली और फ्रेंड में शेयर कर सकते हैं। दूसरा, अगर चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी बजा दें, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रेगनेंसी के दौरान महिला के शरीर में कई तरह के बदलाव होते हैं, ऐसा हार्मोन की वजह से होता है। यह एक किस्म का चक्र होता है जो प्रेगनेंसी के लगभग तीनों ट्राइमेस्टर में देखने को मिलता है। हार्मोनल बदलाव के कारण महिला का शरीर शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है, जिस वजह से उनमें तनाव का स्तर बढ़ने लगता है। इसके अलावा गर्भवती महिला को अपने होने वाले शिशु की चिंता होती है, प्रसव पीड़ा का डर अलग तरह से उन्हें घेरे रहता है और जिंदगी में होने वाला यह बड़ा बदलाव भी रह रहकर परेशान करता है। कहने की जरूरत नहीं है कि तनाव के कारण महिला का स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है, जिससे बच्चे को हानि हो सकती है। ऐसे में जरूरी है कि महिला अपने तनाव से स्तर को कम करके उसके लिए है यहाँ बताए गए कुछ उपायों को आजमा सकती है। तो सबसे पहले अपने हस्बैंड से अच्छे तरह बात करें। प्रेगनेंसी के दौरान कभी मूड अच्छा होता है तो कभी मूड बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है। वैसे तो ये स्थिति महिला के हाथ में नहीं होती है, लेकिन इस सिचुएशन में से डील करने के लिए जरूरी है कि आप अपने पति से इस संबंध में बातचीत करें। अगर मन अच्छा नहीं है तो आप कैसा फील कर रही हैं इस बारे में अपने पति को बताएं। इसी तरह अगर आप खुश हैं तो अपने पार्टनर के साथ उसे सेलिब्रेट करें। इस तरह आपके तनाव का स्तर कम होगा और आपको फील गुड का एहसास भी होगा। प्रेगनेंसी के दौरान कई बार ऐसा होता है कि जब महिला अकेली होती है तो वह खुद से बात करती है, तो कभी अपने बच्चे से ढेरों गपशप करती है। खुद से बात करना बहुत अच्छी बात होती है, इससे मन की उलझनें कम होती हैं। लेकिन ये ध्यान रखें कि आप जब भी बात करें यानी सेल्फ टॉक करें तो वह पॉजिटिव ही हो। बच्चे के बेहतर स्वास्थ्य की कामना करें, अपने घर वालों के बारे में अच्छी बातें सोचें। यह बातें आपको मोटिवेट करेंगी और दुखी होने से रोकेंगी। जाहिर है कि इसमें तनाव का स्तर कम होगा, साथ ही प्रेगनेंसी को आसान और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। अगर हो सके तो कॉमेडी मूवी देख सकती हैं, फाइट एक्शन और ड्रामेटिक जो पिक्चर हैं जिसमें कभी कभी रोना आता है, ऐसी पिक्चरों से दूर रहें। देखें तो कॉमेडी शो देख सकती हैं, कपिल शर्मा शो देख सकती हैं, जिससे आपका एक अच्छा मूड रहेगा, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आएगी। कॉमेडी के अलावा प्रेगनेंसी में दूसरे शो ना देखें, दूसरी मूवी नहीं देखें जिससे मारधाड़ हो या कुछ गलत सीन्स हो। मैं यहाँ पे इसके लिए बोला, बालिंग है फिर भी आपको, आप प्रेग्नेंट हैं, अब बच्चे का केयर करना है, उसके लिए जितना आप खुश रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। गर्भवती महिलाओं को रोजाना योग या एक्सरसाइज करना चाहिए, इससे मन शांत रहेगा, सांस की गति को नियंत्रण करने में मदद मिलती है। इससे गर्भवती महिलाओं को कई तरह के स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं और मूड स्विंग को सीमित रखने में सहायक भूमिका निभाता है। इस तरह से देखा जाए तो योग या एक्सरसाइज करने से गर्भवती महिला में तनाव का स्तर कम होता है। यही नहीं, कई योगासन या एक्सरसाइज ऐसे होते हैं जो प्रसव को कम पीड़ादायक बनाते हैं और इस सफर को भी आरामदायक बनाने में मदद करते हैं। लेकिन गर्भावस्था में एक्सरसाइज या योग करने से पहले एक्सपर्ट की राय जरूर ले लें
कि आपको कौन सी एक्सरसाइज, कौन सा योगा करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। क्यों, आप प्रेग्नेंट हैं, बच्चे का केयर आपके हाथ में है। अक्सर देखा जाता है कि गर्भवती महिला घर से कहीं बाहर नहीं निकलती है। उन्हें सलाह दी जाती है कि ज़्यादा दौड़ भाग करना बच्चे के स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। गर्भवती महिलाओं को हल्की चहलकदमी करते रहना चाहिए। आप गार्डन में अब वॉक करने जा सकते हैं, इससे बच्चा और जच्चा दोनों स्वस्थ रहेंगे। इसके अलावा गर्भवती महिला को समय समय पर अपने दोस्तों से मुलाकात करते रहना चाहिए। इस तरह गर्भवती महिला की रेगुलर लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव होंगे जो उसे अच्छा महसूस कराएंगे और तनाव कम होगा, जो बच्चे के लिए भी लाभदायक साबित होगा। गर्भावस्था के दौरान पर्याप्त आराम ना करने की वजह से भी तनाव का स्तर बढ़ सकता है। यही कारण है कि स्त्री रोग विशेषज्ञ गर्भवती महिलाओं को यह सलाह देते हैं कि इन दिनों पर्याप्त आराम करें। आराम करने से गर्भवती महिला थकान महसूस नहीं करती है और अन्य समय में वह ऊर्जावान रहती है, साथ ही घर के अन्य कामकाज करने में उसका भरपूर मन लगता है। रात में 7-9 घंटे की नींद जरूर लें। सोने वाली जो जगह है वो ऐसी जगह का चयन करें जहाँ शांति रहे। सोने से पहले मोबाइल लैपटॉप बिल्कुल ना देखें। दिमाग जितना शांत रहेगा नींद उतनी अच्छी आएगी। तो आप सोने से पहले कोई गाना सुन सकते हैं या किताब पढ़ सकते हैं, इससे अच्छी नींद आने में मदद आपको मिलेगी। ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।